हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी बिल्कुल शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। मेरे भाइयों, आज की क्लास में हम जानेंगे मिक्स रेशियो, यानी कि इसके अगर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लास, जिसमें एक कंसेप्ट से बन सकने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेहद रिलेवेंट कंटेंट के साथ एक कंसेप्ट हम कराते हैं अपनी एक छोटी सी वीडियो में। तो इसको आप डेली फॉलो किया करो, इसका कहीं ना कहीं आपको बेहद फायदा होगा जब आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन टकराएंगे। एक कंसेप्ट होता है, उसी के बेस पे क्वेश्चन होते हैं। बहुत शानदार तरीके से पहले अपन कंसेप्ट जानते हैं, फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आप करते हो और कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। तो आपका और हमारा जब बिल्कुल आराम से दोनों लोग करते हैं तो बहुत मजेदार तरीके से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, समझ में भी आ जाता है और फिर अगर हम कहीं से वो कंसेप्ट का क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम फोड़ भी पाएंगे। तो मेरे भाई बिना देरी किए हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन से ही हम कंसेप्ट सिखाने को आपको पूरा प्रयास करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा होगा 135 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 72 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाने पर एक नई मिश्र धातु प्राप्त होती है। यदि मिश्र धातु ए में जिंक और कॉपर का अनुपात 4:5 है, मिश्र धातु बी में जिंक और कॉपर का अनुपात 7:5 है, तो नई मिश्र धातु में जिंक का भार क्या होगा, ये चीज बतानी। ये तो बहुत ही आसान है, अभी आगे अगर आपको हम सारे के सारे क्वेश्चन दिखाएं तो ये वाला एक क्वेश्चन उसी टाइप का होगा। फिर अगला क्वेश्चन एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। फिर अपने पास और भी क्वेश्चन है जो कि अपने अलग अलग टाइप से है। तो ये सारी की सारी बात आज की क्लास में, यानी कि मिक्स रेशियो से जितने भी बन पाएंगे सारे के सारे करवाएंगे। तो ये एक आसान क्वेश्चन है, मिश्र धातु ए सबसे पहले लिखेंगे। ए मिश्र धातु में क्या है अपना, तो कहोगे अपने मिश्र धातु एक में जिंक और कॉपर है, क्या है तो बोलोगे जिंक है और मेरे भाई क्या है कॉपर है। तो मेरे दोस्त पहले मिश्र धातु ए में जिंक और कॉपर का रेशियो कितना है, कहोगे 4:5 का है। मैंने कहा आप बी में बता दो बी में कितना है, बोलोगे बी में जो है ये अनुपात कितने का है, 7:5। बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ पे 4:5 है, यहाँ पे 7:5 है। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज आप बताओ हमें यहाँ पे कि यहाँ पे आपसे कहा मिश्र धातु ए जो है 135 किलोग्राम की है, जबकि मिश्र धातु ए कितने की है, 4 और 5 कितना यूनिट हुआ, कहोगे 9 यूनिट। मेरे भाई ये टोटल 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना बोल दिया इन्होंने, कहा 135 बोल दिया है। तो 9 यूनिट की वैल्यू जब 135 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, कहोगे 9 से काट देंगे 15 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। 15 का गुणा 4 के साथ कराएंगे कितना आएगा, 60, और 15 का गुणा 5 के साथ कराएंगे मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, कहोगे 75 आएगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे साथी अब ऑप्शन बी, इसमें बी में देखेंगे, बी में क्या है 7, 5, 12 यूनिट है टोटल, और 12 यूनिट की वैल्यू इन्होंने कह दिया है कितना है मिश्र धातु बी में, तो कहा है मिश्र धातु बी में अपना 72 kg मिश्र धातु बी है, तो 72 kg की है, तो 12 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 का गुणा 7 के साथ कराएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, कहोगे 7 × 6 = 42 होता है। 5 × 6 कराएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, कहोगे 30 आ जाएगा। अब अगर दोनों को जोड़ दें, जिंक में जिंक का जोड़ेंगे और कॉपर में कॉपर का जोड़ेंगे, तो मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा, कहोगे 60 में से 42 जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 × 42 कितना हो जाएगा, 2 और 10 यानी कि 102। यहाँ इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 102 और 105। तो आपसे क्या कहा, नई मिश्र धातु में जिंक का भार बताओ, तो जिंक वाला रेशियो कौन सा है, ये वाला है, तो 102 ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आप बताओगे क्या आपको चीजें क्लियर हैं, आपको बातें क्लियर हैं। अगर मेरे प्यारे साथी अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है, ये क्वेश्चन आपको करना होगा, आप बताना इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। लिखा हुआ है 40, 46 लीटर और 50 लीटर के दो मिश्रणों में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्रमशः 11:12 का है और 2:3 का है दूसरे में, तो दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाता है नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी। तो मैंने कहा बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, तो आप इसको छापोगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप कंसेप्ट जानो, कंसेप्ट को अप्लाई करो और उसी अप्लाई किए कंसेप्ट पे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपके टिप्स पे हो पाएंगी। एग्जाम हॉल में ध्यान भी मेरे भाई वही आता है जिसपे आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हो।
जिस पे आप दिन रात गुजार देते हो उसी पैटर्न के क्वेश्चन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाओगे आपके दिमाग में उतनी ही मैथ छपती जाएगी। फिर वही उल्टी आपको अपने एग्जाम हॉल में कर देनी है, उल्टी का मतलब आपको वही सारे कंसेप्ट वहां पे याद आएंगे, आप वहीं पे वो सारी चीजें आप कर पाओगे बिना सोचे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। जब आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा, इधर उधर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप सीधे के सीधे बस, क्योंकि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगा चुके होंगे कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट उसी से आते हैं। तो मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान धारिता की तीन बोतलों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 4:3, 1:2 है। इन तीनों बोतलों को एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है, तो बड़ी बोतल में क्रमशः दूध और पानी का अनुपात बताओ क्या है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मेरे दोस्त, इसको जानना ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इसका मतलब एक अच्छा क्वेश्चन और इसको अच्छे तरीके से करते हैं। सबसे पहले तीन बोतल है, मान लेते हैं तीन बोतल अपनी, एक बोतल ए है और दूसरी बोतल बी है मेरे प्यारे भाई, और तीसरी बोतल क्या हो गई, सी हो गई। इसमें से दूध और पानी का मिश्रण है, यानी कि मिल्क और क्या है, वाटर है, बोलोगे इतनी कहानी तो समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई। तो पहले में क्या है, तो पहले में कहोगे ये अनुपात जो है 4:1 का है, तो पहले में ये अनुपात 4:1 का हो गया। दूसरे में ये अनुपात 4:3 का है, तो 4:3 हो गया। और तीसरे में यह अनुपात कितने का है, 1:2 का है। मेरे प्यारे भाई एक बात आप अगर इस पे गौर कर पा रहे होगे, अगर इसको देख पा रहे होगे, बोला जा रहा है कि समान धारिता है, यानी कि तीनों की क्वांटिटी सेम है। अगर ये भी 105 लीटर का है तो दूसरा वाला भी 105 लीटर का है, तीसरा वाला भी 105 लीटर का है। पहला वाला अगर 200 लीटर का है तो दूसरा वाला भी 200 लीटर का है, तीसरा वाला भी 200 लीटर का है। यानी कि जो कंटेनर है अपने पास, तीन कंटेनर हैं, उनकी क्वांटिटी समान है, उनमें मात्रा समान है। क्लियर हो गई बात, तो बोलोगे बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे देखोगे 4 और 1 कितना है, तो कहोगे ये तो 5 यूनिट आ रहा। यहाँ पे देखोगे 4 और 3 कितना आ रहा, कहोगे 7 यूनिट आ रहा। यहाँ पे 1 और 2 यानी कितना है, 3 यूनिट। मेरे प्यारे भाई बताओ क्या ये क्वांटिटी सेम है इनकी, कहोगे नहीं इनकी क्वांटिटी तो सेम नहीं है, ये 5 है, ये 7 है, ये 3 है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी सेम करना होगा, और क्वांटिटी सेम करने के लिए हमेशा आप क्या लोगे, एलसीएम। लासा किसका लोगे, 5, 7 और 3 का। 5, 7 और 3 का लासा ले लोगे कितना आ जाएगा, 7 * 21, 21 * 5 कितना हो जाएगा, 105। यानी कि 105 आपको सबको बनाना पड़ेगा। आप 5 में 5 को आप 105 बनाओगे, यानी कितने से गुणा कराना होगा आपको, कहोगे 21 से गुणा। यहाँ पे कितने से गुणा कराना पड़ेगा, तो 15 * 7 = 105 होता है, 15 से गुणा। तो यहाँ पे कितने से गुणा कराना पड़ेगा, कहोगे यहाँ पे गुणा कराना पड़ेगा अपना 35 से। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे एक आसान तरीका है, आप एलसीएम ना लेते तो भी इसको डायरेक्ट कैसे करते, उस बात को ध्यान देना। मैंने कहा ये 5 है, ये 7 है, ये 3 है, आपको 5 में कितने का गुणा कराना है, तो 7 और 3 का गुणा यानी 21 का गुणा करा दो। आप कहोगे 7 में हमें कितने का गुणा कराना है, तो 7 वाले को छोड़ दो, 5 और 3 = 15 का गुणा करा दो। 3 में किसका गुणा कराएंगे, तो 5 * 7 = 35 का गुणा करा देंगे। ये एक आसान तरीका होता है जहां से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे अगर 21 का गुणा कराएंगे, तो 21 का गुणा 4 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, कहोगे 84 आ जाएगा। 21 का गुणा 1 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 15 का गुणा 4 के साथ तो 60 आ जाएगा, और 15 का गुणा 3 के साथ मेरे प्यारे भाई 45 आ जाएगा। 35 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, कहोगे 35 आ जाएगा, और 35 का गुणा 2 के साथ तो 70 आ जाएगा। अब सबको आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि ये अपना मिल्क है, ये अपना वाटर है, इसको आप एक बड़ी बोतल में खाली कर देते हो, एक बड़ी बोतल में आपने इसको पलट दिया, तो बड़ी बोतल में मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है, तो बहुत आसानी से बता देंगे, सबको जोड़ देंगे। 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। 6 * 3 = 9, 9 * 8 कितना हो गया, 17। 179 यहां से आ गया, 5 * 1 = 6 आ गया, 4 * 2 = 6 और 7 कितना, 13। तो 179 * 136 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आई। तो मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपको फोकस करना है कि समान धारिता है तो आपको तीनों की क्वांटिटी सेम करना है। जैसे ही क्वांटिटी सेम हो जाएगी मेरे दोस्त, तो आपको आगे फिर सिंप्लीफाई कर लेना है, आगे आपको कैलकुलेशन कर लेनी है, और अपने करेक्ट आंसर तक आप पहुंच जाओगे। क्लियर हो गई बात, अगर बात क्लियर है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा। उसके पहले अपनी एक अपडेट है,
करंट अफेयर की शंखनाद, जो करंट अफेयर शंखनाद मैगजीन है, जिसमें जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्ड करंट अफेयर डिस्कस किए गए हैं। इसमें आपके 1000 एमसीक्यू डाले गए हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, 500 वन लाइनर डाले गए हैं जिसके थ्रू एग्जाम के पहले आप रिवीजन कर सकते हो, और आप भी जानते हो अगर वन डे एग्जाम आप देने जा रहे हो तो उसमें कितना ज्यादा करंट अफेयर का वेटेज रहता है, कितना ज्यादा करंट अफेयर रोल प्ले करती है। तो मेरे भाई ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको बुक चाहिए तो बुक स्केप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, अगर आपको ई बुक ही चाहिए इसकी तो आप कहां से ले सकते हो, रूट एप्लीकेशन से ले सकते हो इसकी ई बुक। ये आपकी दोनों मीडियम में है, हिंदी और इंग्लिश में है। और अगर एक अपडेट और बताना चाहूंगा, अगर किसी भी मेरे भाई बहन को लगता है कि उसको मैथ में बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैथ उसको लिखना बोलना पढ़ना समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे प्यारे भाई मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है जो कि मॉर्निंग 9 से 10 बजे, 10:15 बजे तक वो चलता है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से उसमें कंसेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। और उसमें सबसे एक खास बात जो है, मैं आपसे लाइव कन्वर्जेशन करता हूं जिसमें आपकी क्वेरी और हमारी आपसे, यानी कि आप अपनी क्वेरी को मेरे से सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। लास्ट के 10 मिनट आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है उस पर। तो मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। इतनी ही बात थी, एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। कह रहा पी और क्यू एल्यूमिनियम और कॉपर की दो मिश्र धातु हैं, पी और क्यू में एल्यूमिनियम कॉपर का अनुपात 5:11, 3:5 है। यह यदि मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है तो तीसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम कॉपर का कितना परसेंट होगा। मेरे प्यारे भाई एक बात देखना, अभी हम पीछे देखे थे कि समान धारिता थी, यहाँ पे क्या है, इसमें कह रहा है कि आप इसको P और Q को 1:3 के अनुपात में मिलाओ। कितने अनुपात में? तो 1:3 के अनुपात में। बहुत शानदार तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले एक है P और दूसरी मिश्र धातु है Q, इसमें से कौन है, एक एल्यूमिनियम का है और एक कौन है, कहोगे एक कॉपर है। बहुत बढ़िया बात है कि एक एल्यूमिनियम है और दूसरा क्या है, कॉपर। तो पहली मिश्र धातु पी में एल्यूमिनियम और कॉपर का रेशियो कितना है, कहोगे 5:11। दूसरी मिश्र धातु क्यू में एल्यूमिनियम और कॉपर का रेशियो कितना है, 3:5 है। मेरे प्यारे इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी कि हाँ ये रेशियो दिया है तो हमने उसको छाप दिया। अब आगे इसमें से इस वाली लाइन को कैसे टैकल करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। कह रहा मिश्र धातु पी और क्यू को 1:3, मैंने कहा सबसे पहले अगर आप देख लो दोनों की क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं, जब दोनों अपने बराबर में आ गए दोनों बराबर में, फिर हमें किसका एक भाग लेना है, किसका तीन भाग लेना है, उसको हम 1 और 3 से गुणा करा देंगे, अपना एक भाग उसका आ जाएगा, 3 भाग उसका आ जाएगा, है ना आसान तरीका। तो सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर लो, 5 और 11 कितना आएगा, कहोगे 6, 5 और 11 कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा, और 5 और 3 कितना आ गया, 8। अब इन दोनों को आपस में बराबर करना है, बराबर करना है, 16 है 8 है, 8 में से 2 का गुणा करा देंगे तो 16 16 बन जाएगा, कहोगे बिल्कुल ठीक है कि अगर इसमें से 2 का गुणा कराएं। मेरे प्यारे दोस्त इसमें आपने 2 का गुणा करा दिया, अब ये हो गए दोनों बराबर, यानी कि आपके पास जो एक कंटेनर है दूसरा कंटेनर है, दोनों आपस में अब बराबर हो गए। अब आपसे कह रहा है पी और क्यू 1:3 के अनुपात में मिलाओ, यानी पी का भाग 1 लेना है, तो पी का भाग जब 1 लेना है तो 1 से गुणा करा दिया, क्यू के भाग अपना 3 भाग लेना है तो 3 से गुणा करा दिया। मेरे प्यारे भाई एक चीज आप बताना, एक बात बताना, ऊपर आपने कितने से गुणा कराया, कहोगे 1 से, नीचे मैंने कितने से गुणा कराया, 2 गुणा 3 यानी 6 से, 1 का गुणा 5 के साथ कराएंगे कितना आएगा, 5, 11 का गुणा 1 के साथ कराएंगे कितना आएगा, 1, 6 का गुणा 3 के साथ कराएंगे कितना आएगा, 18, और 6 का गुणा 5 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा, 30, 18 5 कितना होता है, 23, और ये कितना आ जाएगा अपना, बोलोगे 41 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो जो नई मिश्र धातु बनी, दोनों को यूज करके जो मिश्र धातु बनाई गई उसमें से एल्यूमिनियम और कॉपर का रेशियो कितना आ गया, 23:41। अगर ये पूछता तो बिल्कुल सही था। कह रहा तीसरी मिश्र धातु में एल्यूमिनियम कॉपर का कितना परसेंट है, एल्यूमिनियम कितना है तो कहोगे 23, कॉपर कितना है कहोगे 41, परसेंट में बनाना है तो गुणा क्या करा देंगे, 100 करा देंगे। ठीक है, कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब ये कितनी बार में जाएगा तो आप ये चीज देख सकते हो कितनी बार में जाएगा, ये लिखा हुआ है 2300/41, 2300/41 कितनी बार में जाएगा, क्या 6 बार में जाएगा, बोलोगे 6 बार में तो नहीं जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा।
41 पंचे अपना चला जाएगा कितना, पांच और यानी कि 205, पांच बार में चला जाएगा, 205 आएगा कितना बचेगा, फिर 250 बच जाएगा, यानी कि फिर से 6 बार में चला जाएगा, तो 56% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बातें आपको समझ में आया करें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाया करे, तो कमेंट बॉक्स में अपना एक सजेशन दे दिया करो, अपनी एक राय छोड़ दिया करो कि अगली वीडियो हमें किस पे चाहिए, किस पे आपको और जरूरत है कि नहीं। आप जैसे कि मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले टाइप होते हैं वही यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको लगता है नहीं ये टाइप छूट रहा है तो आप उसको छाप दो, मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि ये सब चीजें आपकी नौकरी के लिए है, आपकी जॉब के लिए है, आपके सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए, आपके माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए। तो मेरे भाई बहुत ध्यान से चीजें देखा करो, अगर मेरी वॉइस धीरे है, वीडियो धीरे चल रही है, तो आप 1.5x पे देख लो, आप 2 पे देख लो, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखा करो। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, कह रहा है मिश्र धातु ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है, मिश्र धातु बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है, ए और बी को 5:6 के अनुपात में लिया जाता है, तो एक नया मिश्रण बनाने के लिए नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंट सेम है ना, उसी टाइप का एग्जाम भी आप देखते जाओ, सीजीएल टीयर 2 3/2/2022 में पूछा। तो अपने पास मिश्रण एक है ए और एक मिश्रण है अपने पास बी, एक में चॉकलेट है और क्या है पानी है ना, चॉकलेट है और दूध है, यानी कि चॉकलेट और मिल्क हो गया। ए का अनुपात कितना है, तो ए में अनुपात जो है वो 4:3 का है, तो ए का अनुपात आपने 4:3 लिख लिया, और फिर अपने पास बी में कितना है, तो बी में यही अनुपात अपना 5:2 है। तो आपसे कह रहा है ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाने पर, किस में, तो 5:6। सबसे पहले मैंने कहा इन दोनों को आप बराबर देखोगे है या नहीं, तो ये भी 7 है और 5:2 ये भी 7 है, आप कहोगे दोनों बराबर है, यानी संयोग बस अपनी किस्मत अच्छी रही कि दोनों कंटेनर की क्वांटिटी बराबर निकल गई। जब क्वांटिटी बराबर निकल गई तो जिस अनुपात में मिला रहा है बस इससे गुणा करा दो, किससे, तो ए वाले को 5 से गुणा और बी वाले को 6 से गुणा, तो 5 का गुणा 4 के साथ कराएंगे 20 आ जाएगा, 5 का गुणा 3 के साथ कराएंगे 15 आ जाएगा, 6 का गुणा 5 के साथ तो 30 आ जाएगा, 6 का गुणा 2 के साथ तो 12 आ जाएगा। 20 और 30 कितना हो गया बोलोगे, 50 आ जाएगा, और 15 और 12 कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, ये बात तो कहोगे बिल्कुल ठीक है। कह रहा नए मिश्रण में चॉकलेट का निकटतम प्रतिशत बताओ, मिश्रण में, मिश्रण कितने में है, तो ये कहोगे चॉकलेट कितनी है 50, मिश्रण टोटल कितना है 5:2 यानी कि 7 और 5:2 कितना 7, गुड़े का कितना करेंगे 100 करेंगे, निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितने के पास आएगा बोलोगे 7 का 42 होता है, 5000/77, सबसे पहले तो यही लिखेंगे 5000/77, इसको कितनी बार में जाएगा, 3 से तो ऊपर ही जाएगा, तो 3 वाले अपने आंसर नहीं हो सकते। अब 77 को गुणा अगर 6 के साथ कराएंगे 6×7=42 यानी कि 420 और 42 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 6 और 4, 462 बचेगा कितना 38 यानी कि 380, ये 5 बार में जाएगा 7×35 और 7×5 बार में जाएगा यानी कि 65% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक बेहद ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन और एक बेहद ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है विलयन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात 2:7, 4:5 है, इन विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या है, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क का। आप जहां कहीं भी हो वहां से आपको ये काम करना है, घर पे हो तो होमवर्क, कहीं रेंट में रहते हो तो रेंट वर्क, अगर लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे हो तो लाइब्रेरी वर्क, अगर कहीं पे भी हो खेत में बैठे हो तो क्या मान लो खेत का वर्क हो गया, जहां कहीं भी हो वहां का वर्क है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है बर्तन ए और बी के घोल में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है और 5:1 है, ए और बी से क्रमशः 5 लीटर और 4 लीटर घोल मिलाकर एक नया घोल प्राप्त कर लिया जाता है, तो नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, ये भी बहुत ही आसान है, उसी टाइप से टैकल करेंगे, एक मिश्रण अपना ए है, दूसरा क्या है बी है, कहोगे बिल्कुल ठीक है, इसमें से क्या है अपना अम्ल और पानी है यानी कि एसिड और वाटर, क्या है तो एसिड और वाटर बोलोगे। पहले मिश्रण में कितना है, तो कहोगे 4:5 है, तो पहले मिश्रण से मैंने कहा 4:5,
दूसरे मिश्रण में कितना है, तो बोलोगे दूसरे मिश्रण में 5:1 है। अब मैंने कहा सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों की क्वांटिटी बराबर करनी होगी। तो इन दोनों की क्वांटिटी बराबर करेंगे तो यहां से देखो कितना आ गया, 5 और 4 कितना 9, 5 और 1 कितना 6। 9 और 6 को बराबर करने के लिए क्या होगा, कहोगे 9 दुनी 18 और 6 गुणा 3 18 होता है। तो यहाँ पे आप 3 का गुणा करा सकते हो, यहाँ पे आप 2 का गुणा करा सकते हो, बन गया 18 18, 9 गुणा 2 18, 6 गुणा 2 18। अब कह रहा है ए और बी से क्रमशः 5 लीटर, यानी कि 5 लीटर कहने का मतलब है पहले से 5 यूनिट और दूसरे से 4 यूनिट। तो पहले से 5 यूनिट लेना है तो 5 का गुणा, और दूसरे से अगर 4 यूनिट लेना है तो कितने का गुणा, कहोगे 4 का गुणा। कितने से आपने गुणा कराया इसमें, कहोगे 5 गुणा 2, यहाँ कितने से कराए हो, 3 गुणा 4, क्योंकि ये तो टोटल की वैल्यू अपन लिखे हैं। तो 5 गुणा 2 10 का गुणा 4 के साथ कराओगे कितना आएगा, कहोगे 40 आ जाएगा। 5 का गुणा 10 के साथ करोगे कितना आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। 12 का गुणा 5 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, 60। 12 का गुणा 1 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा, 12। 40 और 60 कितना हो गया, 100 हो गया। और 50 और 12 कितना हो गया, 50 12 बोलोगे हो गया 62। तो आपसे क्या कह रहा है, नए घोल में अमरोल पानी का अनुपात, 2 से कट रहा है, काट दो, 2 से कटाइए 50 बार में, 2 से कटाइए 31 बार में। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 50:31 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 कंटेनर PQR की क्षमता 5:4:8 के अनुपात में है, वे क्रमशः 1:4, 2:3 और 3:5 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण से पूरी तरह से भरे हुए हैं। यदि तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त क्या है, पी है, क्यू है, आर है, इन तीनों में रेशियो पता है। किसका रेशियो पता है, कहोगे रेशियो पता है अपना दूध और पानी का। तो मेरे प्यारे साथी यहां बना लेंगे मिल्क और वाटर का रेशियो। पहले में क्या रेशियो है, कहोगे 1:4 है। दूसरे में क्या रेशियो है, तो कहोगे 2:3 है। और तीसरे में क्या है, तो तीसरे में बोल दोगे 3:5। मैंने कहा आपसे कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले पी क्यू आर की क्षमता 5:4:8 में रखनी है। 5:4:8 में रखनी है, यानी सबसे पहले आप इनकी क्षमता तो बराबर करो। क्षमता ये लिए 5 बैठा है, इसकी 5 यूनिट की क्षमता है, इसकी भी 5 यूनिट क्षमता है, इसकी 8 यूनिट क्षमता है। तो 5 5 8 क्या बराबर है, बोलोगे बराबर तो नहीं है। तो मैंने कहा मेरे साथी इसको अब सबसे पहले बराबर कर लो। बराबर करने के लिए कहोगे 5 और 8 का लासा लेंगे, 5 और 8 का लासा कितना आ जाएगा, तो 40। 40 बनाने के लिए यहाँ पे आपको 8 का गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 8 का गुणा कराना पड़ेगा, यहाँ पे 8 गुणा 5 40 होता है। तो आपने 5 का गुणा नीचे कराया, 8 का गुणा आपने पहले की 2 इक्वेशन में करा दिया। अब आपसे कह रहा है कि अब चीजें बराबर हो गई, यानी अब इनकी क्वांटिटी क्या हो गई, बराबर हो गई। आपसे कह रहा पी क्यू और आर की क्षमता इस अनुपात में है, यानी इनकी क्षमता अब आपको अलग करनी है 5:4:8 में। तो इसमें आप 5 का गुणा करा दो, इसमें आप 4 का गुणा करा दो, इसमें आप 8 का गुणा करा दो। अब देखोगे आपकी पी क्यू आर की जो क्षमता हो गई वो 5:4:8 में हो गई, क्योंकि सबसे पहले अपन कर लिए कि ये सब बराबर है, बराबर है। बराबर में से जिसका 5 यूनिट उसका 5 से गुणा, जिसका 4 यूनिट उसका 4 से गुणा, जिसका 8 यूनिट उसका 8 से गुणा। तो मेरे प्यारे भाई अब बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, यानी कितने से गुणा कराया, कहोगे 8 गुणा 5 40। 40 का गुणा 1 के साथ तो कितना आ जाएगा, 40। फिर 40 का गुणा 4 के साथ कितना आ जाएगा, 160। 8 चौक 32। 32 का गुणा 2 के साथ कितना आ जाएगा, 64। और फिर 32 का गुणा 3 के साथ कितना आ जाएगा, 96। 40 का गुणा 3 के साथ कितना आ जाएगा, 120। और फिर 40 का गुणा अपना ये 40 का गुणा 5 के साथ कितना, 40 पंचे होता है 200। सबको सॉल्व करेंगे, अपने आंसर निकाल देंगे। एक सल्यूशन करने का बेहतरीन तरीका और होता है मेरे प्यारे भाई, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से आपको 2 जीरो दिख रहे होंगे तो 2 जीरो आप काट सकते हो, सॉरी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। यहाँ पे भी काट के आपको बताएंगे, तो इसका आप
जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 120, 40, 160, 160 और 60 कितना हो गया 220 और 4 यानी कि 224, और यहां से कितना आ जाएगा 200 और 100 कितना हो गया कहोगे 200 और 100 300, 360, 360 में 90 जोड़ा, 360 में 90 जोड़ा 450, 450 में 6 जोड़ दिया यानी कि 406, तो 456 आ गया। दूध और पानी का आपस से अनुपात पूछा है, देखो 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20 और 4 छंगा 24, 4 से कट रहा है एक बार में, 4 से एक बार में और 14 बार में, अभी 2 से कटेगा तो 2 से कट जाएगा ये 28 बार में, और 2 से कट जाएगा ये कितने बार में, 2 से 2 पंचे 10 आ जाएगा और 2 सत्ते 14, तो 5 और 57 यानी 28:57 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन किस में है तो बोलोगे ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। मैंने कहा इसकी कैलकुलेशन आप आसान तरीके से कैसे करा सकते हो, तो यहाँ पे देखोगे 4 है 8 है 8 है, जो सब के सब 4 के गुणक लिखे हुए हैं, अगर सब के सब 4 के गुणक हैं तो 4 से ये 2 बार में काट सकते हो, 4 से ये 2 बार में काट सकते हो, यानी कि यहाँ पे आप ही सिंप्लीफाई करके करेक्ट आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल नहीं बदलते। आगे दिखाएंगे आपको अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता 4:3 के अनुपात में है, मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता 5:2 के अनुपात में है, ए और बी को 5:6 के अनुपात में लिया जाता है तथा उन्हें पिघलाकर एक नई मिश्र धातु बना दी मैंने, तो इस प्रकार नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत लगभग कितना है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल और पीछे वाले कंसेप्ट पे बेस ही क्वेश्चन है, तो आप छापना इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका सटीक उत्तर क्या होगा। आगे है अपना एक मैथ फाउंडेशन कोर्स जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको अगर अरिथमेटिक इंडिविजुअल चाहिए, एडवांस इंडिविजुअल चाहिए मेरे भाई, तो आप इसमें आ सकते हो और इसमें आपको वो चीजें मिलेंगी, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा आपको, सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ मिलेंगी। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि आज तो हम फोड़ के यहां से जाएंगे, उस प्रकार का कंटेंट इसमें डाला गया और बहुत अच्छे तरीके से इसमें कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये बैच चाहिए, आपको इसमें इनरोल होना है, आपको मैथ में दिक्कत है, तो रूट एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहां पे अपना एक बैच है, उसमें आप आ सकते हो अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है तो। नंबर दिए हुए हैं ढेर ढेर नंबर हैं आपके सामने, किसी एक में लगा के आप बात कर लेना, क्योंकि बात करने की आपकी आदत बहुत है। तो मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद।